सिलाई सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हाय, मैं हूँ रीमा और आज मैं फोर टक्स ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। तो इसमें हम ब्लाउज से माप लेके कैसे कटिंग किया जाता है यही बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी साइज की ब्लाउज कटिंग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये हमारा ब्लाउज है जिससे नाप लेके इस पर कटिंग करना है। तो सबसे पहले माप कैसे लिया जाता है ये बताती हूँ। तो माप लेने के लिए क्या करते हैं कि ब्लाउज जो होता है उसको उसका बटन बंद करके अच्छे से ऐसे फैला के रख लेते हैं, बिल्कुल इस प्रकार। उसके बाद ये सारे मापों को हमें इससे माप के निकालना पड़ता है। शोल्डर, अपर चेस्ट, फुल बस्ट, कमर लंबाई, बाजू की लंबाई, बाजू की गोलाई, आर्म होल, बस्ट पॉइंट, पीछे का गला और आगे का गला, ये सारे मापों को हमें इससे माप के निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं शोल्डर का माप लेती हूँ। तो शोल्डर का माप यहाँ से यहाँ तक, ये जो सिलाई है यहाँ से इस सिलाई से बिल्कुल इस सिलाई तक हम मापते हैं। तो ये आया 9 इंच। और उसके बाद हम अपर चेस्ट का माप लेंगे। तो अपर चेस्ट का माप, ये जो बाजू की सिलाई होता है वहाँ से सिर्फ हम ऊपर तक नापते हैं। तो ये 16.5 आया। 16.5 का हम डबल करेंगे तो ये 33 आएगा। अब उसके बाद फुल बस्ट का नाप लेते हैं। फुल बस्ट का नाप हम जो बॉडी का सबसे फुलेस्ट पार्ट होता है वहाँ से लेते हैं। तो ये 17 है। 17 का डबल करेंगे तो आएगा 34। उसके बाद कमर का नाप लेंगे। तो कमर का नाप जैसे 14.5 आया, सिंगल उसको डबल करेंगे तो ये आएगा 29 इंच। अब हम लंबाई का नाप लेंगे। तो यहाँ से ये जो सिलाई होता है कंधे के पास से, वहाँ से बिल्कुल नीचे तक नापते हैं हम, ये 13.5 आया। उसके बाद बाजू की लंबाई, ये जो सिलाई होता है वहाँ तक 3.5 इंच। फिर बाजू की गोलाई का माप लेंगे तो ये 6 इंच आया। अब हम आर्म होल का नाप लेंगे। तो आर्म होल का नाप बिल्कुल जो सिलाई होता है ना उस पर ही नापते हैं हम, वहाँ से लेके ऊपर तक। तो ये आया यहाँ से पूरा ऊपर तक 7.5 इंच आया। तो 7.5 का डबल करेंगे तो ये आएगा 15 इंच। अब हम पीछे का गला का माप लेंगे। तो गला का माप इससे यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये 10.5 इंच। या फिर आप ऐसे भी माप सकते हैं, जो पीछे का पार्ट होता है उसको नाप लीजिए और पूरी लंबाई में से उसको माइनस कर देंगे तो पीछे का गला कितना है ये पता चल जाता है इसे माइनस करने से। अब हम बस्ट पॉइंट का नाप लेंगे। वो जो सबसे बीच सेंटर का नाप लेते हैं हम ऊपर से, वो शोल्डर के पास से ऊपर जो शोल्डर के पास से सिलाई होता है यहाँ से हम वो जो बीच का बस्ट बीच सेंटर का माप लेते हैं। तो ये आया 8.5 इंच। अब हम आगे का गला का माप लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये आया 6 इंच, या फिर 6.5 भी ले सकते हैं। अब मैं इसी माप पे मापने के बाद हमारा पूरा मेजरमेंट हो गया है। शोल्डर 9 इंच, अपर चेस्ट 33, फुल बस्ट 34, कमर 29, लंबाई है 13.5, बाजू की लंबाई 3.5, बाजू की गोलाई 6 इंच, आर्म होल 15, बस्ट पॉइंट 8.5, पीछे का गला 10.5 और आगे गला 6 इंच। तो हम इसी पे अब कटिंग करूँगी मैं। तो सबसे पहले इसे कपड़े को 2 फोल्ड करके रख लेते हैं। ये कपड़ा हम चेस्ट के अनुसार रखते हैं, जैसे कि चेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच मार्जिन लेके मैंने यहाँ पे रख लिया। ये मैंने 11 इंच रखा है। अब मैं कपड़े को सीधा कर देती हूँ। अब ऊपर सबसे पहले हम लंबाई का चेन लगाएंगे। जैसे लंबाई 13.5 इंच है तो हम इसको 14.5 इंच लेंगे। 1/2 इंच नीचे सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच ऊपर। अगर आप इसी में से नीचे फोल्ड करना चाहते हैं तो आप 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लीजिए। मैं इसमें से फोल्ड नहीं करने वाली हूँ तो मैं 14.5 पे इसको कट कर लेती हूँ। तो ऊपर 14.5 पे चेन लगा देती हूँ एक। अब हम ऊपर शोल्डर का चेन लगाएंगे। जैसे शोल्डर था 9 इंच तो हम उसका हाफ करके 4.5 इंच और 1/2 इंच सिलाई के लिए तो मैंने 5 इंच पे चेन लगा लिया। अब हम आर्म होल का चेन लेंगे। तो आर्म होल को हम 5.5 इंच पे चेन लगाएंगे।
या फिर आप जैसे आर्म होल का नाप 15 इंच था तो उसका आधा करके उसमें 2 इंच कम करके भी लगा सकते हैं। जैसे आर्म होल का 15 उसका आधा 7.5 हुआ, उसमें 2 इंच कर देंगे कम करेंगे तो ये 7.5 पे, 2 इंच कम करेंगे तो ये 5.5 पे चेन लगेगा। और यहाँ से भी ये 5 इंच होगा और इसको सीधा कर देती हूँ। अब हम यहाँ पे चेस्ट का लेंगे तो चेस्ट 33 इंच है तो उसका हाफ होगा 8.25 और उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन। फिर कमर, 29 इंच तो 7.25 पे चेन लगाऊंगी। उसका 1/4 प्लस 1 इंच डांट के लिए, जो पीछे डांट पड़ता है उसके लिए 1 इंच और उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन। अब हम फिटिंग को फिटिंग से और मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे। अब गला का चेन, गला मैं यहाँ पे 2.25 लूँगी। आप अगर आप चाहें ज़्यादा फैलाव पहनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2.5 इंच भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 2.25 ले रही हूँ। अब इधर पीछे से 10.5, गला का माप 10.5 था तो हमने 10.5 पे चेन लगा लिया। अब नीचे आप यहाँ पे फैलाव देने के लिए 3, 3.5 या 2.5 लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा फैलाव देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 3 इंच, 3.5 इंच पे भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2.5 कर लिया है। अब इसको राउंड बना के यहाँ गले का शेप दे देंगे। तो मैं यहाँ पे गोल गला बना लेती हूँ। अब हम आर्म होल का चेन लगाएंगे तो यहाँ से आर्म होल 1 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.25 इंच तक ले सकते हैं। 1 इंच, 1.25 इंच, ज़्यादा ऊपर से करने से यहाँ आर्म होल के पास फुलान आ जाता है। अब हम डांट का चेन लगाएंगे तो डांट इसे यहाँ से कमर का नाप के आधा करके भी आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4.5 पे चेन लगा रही हूँ और ये लंबाई आप अपने अनुसार रख सकते हैं। जैसे गला ज़्यादा ओपन है तो आप इसको छोटा कर सकते हैं थोड़ा। मैंने यहाँ पे 4 इंच लिया है। अब ये इसकी चौड़ाई जो होगा 1 इंच होगा, आधा आधा इंच दोनों तरफ। अब इसको 1.25 इंच ऊपर की तरफ ऐसे काट देते हैं। क्या होता है वो जब टक्स लगता है ना पीछे वाला डांट तो टेढ़ा हो जाता है तो उसके लिए हम काट देते हैं। अब यहाँ आर्महोल आप नाप के भी देख सकते हैं। जैसे आर्महोल था 15 इंच तो यहाँ तक 15 इंच आना चाहिए तो उसका आधा करेंगे। जैसे आर्महोल का 15 है तो उसका आधा करके 7.5 हम यहाँ से नाप के देख सकते हैं। वो सिलाई छोड़ कि हम नापेंगे तो यहाँ से हम नाप के देख सकते हैं कि ये 7.5 आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर कम होता है तो हम आर्म होल को बढ़ा देते हैं। तो ये 7.5 से हल्का सा ज़्यादा है तो इतना चल जाएगा। तो अगर इससे कम आ जाता है तो हम थोड़ा सा आर्म होल का सेप बढ़ा देते हैं, और तो अगर बड़ा आता है तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा कम कर सकते हैं। तो मैं इसको, ये मेरा ठीक है तो मैं इसी पे कट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे हम शोल्डर को डाउन नहीं करेंगे। जब हम कॉलर नेक या फिर बोट नेक बनाते हैं तो हम इसको डाउन करते हैं, तो इसमें मैं ये ज़्यादा ओपन नेक है तो मैं इसमें कॉलर डाउन नहीं करूँगी तो मैं इसी पे कट कर लेती हूँ। अब आगे का पल्ला कट करेंगे। तो ये जो यहाँ पे मैंने रख लिया है
यहाँ से कट करूँगी तो यहाँ मार्जिन के लिए मेरा कम बचेगा, जैसे ये पीछे के पल्ले से 1.5 इंच मुझे ज़्यादा चाहिए तो ये 1 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी कि वो आगे के पल्ला इधर से, ये ओपन साइड है तो आगे का पल्ला ओपन रखना है, तो मैं इसको ऐसे पलट के इधर से निकाल लेती हूँ ऐसे, तो इधर से हमारा मार्जिन भी पूरा मिल जाएगा और ये आराम से कट हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से घसका के यहाँ तक रख लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर देती हूँ क्योंकि यहीं तक कपड़ा है, इसे पता चल जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा था ना, तो यहाँ तक कपड़ा है। अब उसके बाद 1/2 इंच हम और एक्स्ट्रा लेंगे, वो काज पट्टी और हुक पट्टी के लिए जो लगता है उसके लिए 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। अब इसको यहाँ तक ऐसे फैला के रख देंगे, वो मार्जिन 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के हम इसको रख देंगे। अब यहाँ पे शोल्डर का नाप और फिटिंग और ये जो लंबाई का चेन लगा के लगा लेंगे, अब इसको साइड में रख देंगे। अब ये जो पीछे का पार्ट है उसे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे चेन लगा दिया है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे शोल्डर का नाप लेंगे, शोल्डर जैसे उसमें 5 इंच था तो हम इसमें भी 5 इंच पे चेन लगाएंगे, और उसके बाद उसमें 5.5 लिए थे तो ये पीछे जैसे में हमने बनाया था वैसे बन गया है। अब क्या करते हैं, आगे के पल्ला को हल्का सा डाउन करते हैं नीचे की तरफ, तो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच या थोड़ा उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 इंच तक हम इसमें डाउन कर देते हैं। ये हाई नेक है तो हम इसमें ज़्यादा डाउन नहीं करेंगे, तो मैंने थोड़ा सा इसको डाउन कर दिया है, तो ये 1/2 इंच के करीब आगे के पल्ले को हम थोड़ा सा ऐसे काट देंगे। अब गला का जैसे 2 पे चेन लगाऊंगी और आगे से 6 इंच लंबाई और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए, तो मैं यहाँ पे 6.5 पे गले को चेन लगाती हूँ और उसके बाद ऐसे बक्स बना के यहाँ पे गले का शेप दे देंगे। अब जैसे यहाँ पे हम बेस्ट पॉइंट जैसे 8.5 आया था तो हम बेस्ट पॉइंट का चेन लगाएंगे, तो 1/2 इंच मार्जिन लेके हम यहाँ पे 9 इंच पे एक चेन लगाएंगे और उसके नीचे 1 इंच नीचे एक और चेन लगा दीजिए। अब हम उस जो नीचे वाला चेन है तो जैसे चेस्ट का 10वां भाग लेते हैं, चेस्ट आया था 34 इंच, तो 34 इंच का 10वां भाग 3.4 लगभग 3.5 इंच के बराबर आएगा, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे चेन लगा ली। वो जो ये जो चेन लगा है वो मार्जिन छोड़ के जो हुक पट्टी और काज पट्टी के लिए मैंने लिया था 1/2 इंच, उसको मैंने छोड़ के लगाया है। अब यहाँ पे अब मैंने नीचे की तरफ मैं 2.25 इंच ले रही हूँ और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए, तो मैं इसको 2.25 इंच पे चेन लगाऊंगी। अगर आपका ब्लाउज इससे लंबाई में ज़्यादा बड़ा है तो आप इस टक्स को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि वो पट्टी ज़्यादा चौड़ा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर छोटे साइज के लिए बना रहे हैं तो आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं, या फिर इससे लंबाई में अधिक एक्स्ट्रा है तो आप स्टॉक्स को की लंबाई बढ़ा भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2.25 पे चेन लगाया है। अब ये जो डांट की जो चौड़ाई होता है ये 1.5 इंच का होता है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 1.5 इंच अब इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारा पहला डांट तैयार हो गया। अब इससे 1.5 इंच इधर एक चेन लगाएंगे तो ये दूसरा डांट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से इस तरफ भी 1.5 इंच पे एक चेन लगाएंगे, और ये लगभग 2 इंच का डांट होता है। तो यहाँ से इसको ये जो चौलाई होता है यहाँ से 1/2 इंच 1/4 इंच का चौला होता है, तो ये दूसरा डांट हो गया, ये इसकी चौलाई जो है 1/4 इंच है। अब ये तीसरा डांट हम यहाँ से लेंगे, तो ये जो सीधी लाइन है वहाँ से हम 2 इंच नीचे की तरफ ऐसे करके और इसमें मिला देंगे, तो ये तीसरा डांट तैयार हो जाएगा।
अब यहाँ पे मैं भूल गई थी बताना, जब आगे के पल्ला कट करते हैं तो पीछे के पल्ले से हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं ये फोर डॉट वाला ब्लाउज में, तो मैंने यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब इसको सीधा कर देती हूँ। यहाँ से एक इंच दूरी पे एक चेन लगाएंगे, इसकी लंबाई 2 इंच है। अब क्या करेंगे कि नीचे वाला जो है उससे हम 2, 2.5 या 2.5 पे चेन लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2.25 पे एक चेन लगा लिया है। अब इसको इसको मिला देंगे, इसकी दूरी भी 1.5 इंच की हो जाती है। अब इसको इसको ऐसे मिला देंगे तो ये 4th डांट हमारा यहाँ से मिल जाएगा। इसकी दूरी बीच की दूरी 2.25 है। अब हम इसके नीचे बेल्ट पट्टी का सेप देंगे, तो 1 इंच नीचे हम एक चेन लगाएंगे और इधर से 2.5 इंच ऐसे राउंड सेप, हल्का सा राउंड सेप हम करके थोड़ा ऊपर की तरफ कर देंगे, तो ये जो सोप सेप होता है बेल्ट का तो वो निकल जा हो जाएगा हमारा। तो अब मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने जो 1.5 इंच अधिक लिया था वो आधा आधा इंच यहाँ पे चला जाता है। जैसे यहाँ पे हम बेल्ट जॉइंट करेंगे तो ये आधा आधा इंच चला जाएगा ऐसे सिलाई करने में। और आधा इंच जो एक्स्ट्रा है वो जब हम ये वाला डांट बनाएंगे तो ये आधा इंच का लगभग बनता है, तो ये आधा इंच यहाँ पे चला जाता है। और इधर हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो ये भी डांट लगभग आधा इंच का यहाँ पे पड़ जाता है, तो इसीलिए हम वहाँ पे एक्स्ट्रा लेते हैं। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ इसी पे। तो मैं ये जो सिलाई हुक पट्टी और काज पट्टी के लिए मैं छोड़ के काट रही हूँ, नीचे वाला चेन पे कट करेंगे। ये टेक्स पड़ेगा तो थोड़ा सा ये बेल्ट बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा काट लेती हूँ। अब मैं इसके जैसा एक और बेल्ट पट्टी कट करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे डबल पट्टी लगाना है, तो मैं ये बाद में कट कर लूँगी। पहले मैं स्लीव कट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसके जैसा एक और बेल्ट पट्टी कट करूँगी। तो ये जो कपड़ा बचा था उसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, अब इसमें से स्लीव कट करेंगे। तो यहाँ पे नीचे 1.25 इंच रख लेती हूँ नीचे फोल्डिंग के लिए। ये अस्तर वाला ब्लाउज में हम 1/2 इंच लेते हैं, तो ये इसी में से फोल्ड करना है, तो मैंने इसको 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच ले सकते हैं आप इसी में से फोल्ड करने के लिए। तो मुझे इसी में से फोल्ड करना है इसको ऐसे। अब हम लंबाई 3.5 इंच है, तो हम इसको 3.5 पे चेन लगाएंगे और 1/2 इंच सिलाई के लिए, तो ये 4 इंच पे चेन लगेगा। इसको सीधा कर देंगे। अब इसके नीचे ऊपर वाला चेन से हम 3 इंच नीचे चेन लगाते हैं, तो ये स्लीव की लंबाई कम है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कम कपड़ा बच जाएगा, तो मैं इसको 2.5 इंच पे चेन लगाती हूँ। अगर हम फुल बाजू या फिर जैसे स्लीव की लंबाई अधिक होता है तो हम इसको 3.5 पे भी लगाते हैं। अब इसको सीधा कर लेती हूँ। तब यहाँ से जैसे बाजू की गोलाई जितना है वहाँ पे चेन 6 इंच था, तो मैंने 6 इंच पे चेन लगा लिया है। अब क्या करूँगी कि उसके ऊपर जो वाला चेन है उस पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेके हम चेन लगाते हैं, तो ये 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया। अब 1.5 इंच मार्जिन लेंगे हम सिलाई मार्जिन के लिए, तो ये 1.5 इंच सिलाई के लिए हो गया। दोनों को मिला देंगे। अब यहाँ पे 2 इंच पे एक चेन लगाएंगे। अगर इससे बड़ा साइज के लिए कट करें तो आप इसको थोड़ा सा 2.25 या फिर 2.5 कर सकते हैं। जैसे 40 साइज के लिए है तो आप इसको 2.5 भी कर 2.5 पे चेन लगाइए। अब इसको इसको ऐसे मिला देंगे।
हम जो ये सीधी लाइन मैंने खींचा है उसके आधा इंच ऊपर एक चेन लगाएंगे और आधा इंच नीचे एक और चेन लगाएंगे। तो ये आधा इंच जो हम अंदर की तरफ आगे वाला पार्ट हो जाएगा और पीछे वाला इसको गोला इसे राउंड दे देंगे और ये नीचे की तरफ। तो ये हमारा जो आगे के पार्ट में हम थोड़ा सा राउंड करते हैं तो वो हमारा हो जाता है और ये पीछे ज्वाइंट होगा। तो ऐसे स्लीव कट करने में, ऐसे अगर आप काटेंगे तो ये बहुत आसानी के साथ हम स्लीव को अच्छे शेप के साथ काट सकते हैं। तो ये देखिए ये नीचे फोल्ड हो जाएगा और इसको काट दूंगी तो ये आगे की तरफ, आगे वाला हमारा पार्ट के लिए जो हम अंदर की तरफ डाउन करते हैं वो हमारा हो जाएगा इसको काटने से ऐसे। तो ये हमारा स्लीव कट हो गया है। अब इसको साइड में रख के वो मैं डबल पट्टी निकाल लेती हूँ जो कपड़ा बचा है इसमें से। तो इसको ऐसे रख के सेम इसी के बराबर कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये पीछे वाला बैक साइड है और ये आगे का पार्ट, इसमें ये बेल्ट पट्टी ज्वाइंट होगा और ये हमारा स्लीव है। तो ये हमारा कटिंग पूरा हो गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।